एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है आईआईटी का और नीट का, ये ऑनलाइन परीक्षा देने जाएंगे, सेंटर में बहुत सारे लोग होंगे और ऐसी खबरें देख रहे हैं कि दिल्ली में अस्पताल कम पड़ते जा रहे हैं, यहाँ वहाँ बनाया जा रहा है, मुंबई में आईसीयू कम पड़ते जा रहे हैं, तो बच्चे चिंतित हैं। अब दिक्कत ये है कि इस कुछ काम शिक्षा मंत्री को भी करना चाहिए, उन्हें आकर इन बच्चों से संबोधित करना चाहिए, बात करनी चाहिए, काउंसलिंग करना चाहिए। वो किस लिए हैं शिक्षा मंत्री राज्यों में या देश के स्तर पर? कुछ तो इन्हें आकर आश्वासन देना चाहिए कि हम आपकी परीक्षा ले रहे हैं तो हम इस तरह का इंतजाम करेंगे, आपकी यात्राओं में दिक्कत ना आए हम इस तरह का इंतजाम करेंगे, या सिर्फ डेट अनाउंस कर दिया। ये बच्चे क्यों परेशान हैं ये देखने की ज़रूरत है। मानव संसाधन मंत्री को, इन सारे लोगों को, ये ट्विटर पर लिख भी रहे होंगे, उन्हीं से संपर्क करके बात करके काउंसलिंग इस्टेब्लिश करनी चाहिए। पर यह सब तो होता नहीं है। खबर छिपानी हो तो आप पर्दा डाल लीजिए, झूठ बोलना हो तो प्रोपेगेंडा लेकर न्यूज़ चैनलों को लगा दीजिए, यही सब में सारा समय निकल जाता है और जनता इतनी परेशान है छोटी छोटी बातों को लेकर, जिनका समाधान आप कर सकते हैं वो बता दे रही है ट्विटर पे ही जाकर, मंत्रियों के ही ट्विटर पर होगा, लेकिन कोई इनसे बात करने वाला नहीं है कि नीट की परीक्षा हो या जेईई की परीक्षा हो, वो हम क्यों ले रहे हैं और किन तैयारियों के साथ लेंगे, किस तरह की सुरक्षा होगी आप बता दीजिए। 17-18 साल के ये बच्चे हैं, इनको क्यों मानसिक रूप से आप परेशान कर रहे हैं? 3-4 महीने गुजर गए इस तालाबंदी के नाम पे और हुआ कुछ नहीं। इसके बाद भी आप देखिए कहां तक हम पहुंच गए, केस की संख्या कितनी हो गई, 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो कितना आप प्रोपेगेंडा लगाकर, मर तो रहा है आम आदमी ही मर रहा है।